हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आजाद जी के क्लासेस में तो फ्रेंड्स फाइनली एसएससी की तरफ से एक न्यू वैकेंसी एसएससी एस का आया है तो इस वैकेंसी के बारे में डिटेल हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कौन इस फार्म को भर सकता है इसका ये फार्म भरना कब से स्टार्ट हो जाएगा लास्ट डेट क्या है ठीक है और इसका एज लिमिट क्या है प्रोसेस इसका डिटेल पूरा हम लोग इस वीडियो में जानेंगे ठीक है फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स बता दूँ कि नेम ऑफ पोस्ट इसका है एस एस सी ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए है रिक्वायरमेंट दो ऑनलाइन फॉर्म ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स एप्लीकेशन बिगिन जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 10 दस, दस 2020 से यानी 10 अक्टूबर से ठीक है तो और इसका लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का 4 ग्यारह 2020 तक है यानी 4 नवंबर तक है इसका लास्ट ठीक है आगे चलते हैं ऑनलाइन पे एग्ज़ाम फी लास्ट डेट लास्ट डेट जो है एग्ज़ाम फी का पे करने का छः ग्यारह दो हज़ार बीस तक यानी छः नवंबर दो हज़ार बीस तक है ठीक है और बताते हैं फ्रेंड्स सी वी टी एग्ज़ाम डेट एग्ज़ाम डेट जो है उनतीस से इकतीस मार्च दो हज़ार बीस तक हो जाएगा ठीक है यानी सॉरी दो हज़ार इक्कीस तक अगले साल में आपको मार्च में उनतीस से इकतीस मार्च के बीच बीच हो जाएगा ठीक है एप्लीकेशन फ़ी जानते हैं हम लोग फ्रेंड्स जनरल ओ बी सी ई डब्ल्यू एस के लिए सौ रुपया एस सी और फीमेल के लिए कोई पैसा नहीं है फ्री है ठीक है एज लिमिट एक आठ दो हज़ार बीस तक एक आठ दो हज़ार बीस तक एज लिमिट जो है मिनिमम अठारह साल होना चाहिए और मैक्सिमम सताइस साल फॉर ग्रेड डी ग्रेड डी के लिए मैक्सिमम एज फ्रेंड सताईस साल होना चाहिए ठीक है मैक्सिमम और मैक्सिमम एज तीस ईयर फॉर ग्रेड सी तीस साल ग्रेड सी के लिए मैक्सिमम जो है तीस साल है ठीक है वैकेंसी डिटेल फ्रेंड्स पोस्ट नेम है एस्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन 2020 ग्रेड सी ग्रेड डी एलिजिबिलिटी देखते हैं फ्रेंड्स पास 2020 सॉरी पास टेन प्लस टू इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकोगनाइज बोर्ड इन इंडिया ठीक है एस्टेनोग्राफर ग्रुप डी ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश पचास नंबर का रहेगा पचास मिनट हिंदी पैंसठ मिनट का ठीक है एस्टनोग्राफर ग्रुप सी ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश चालीस मिनट हिंदी पचपन मिनट रहे का रहेगा ठीक है हाउ टू फिल फॉर्म इसको पढ़ लीजिएगा आप फॉर्म कैसे भरना फ्रेंड्स अब हम लोग इसके बारे में सेलेबस के बारे में जानते हैं ठीक है तो यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं सेलेबस इसका क्या रहने वाला है तो जी हाँ फ्रेंड्स यहाँ देखिए आपके लिए जो सिलेबस है एस एस के लिए सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पचास नंबर का रहेगा मैक्सिमम मार्क्स पचास मार्क्स रहेगा ठीक है दो घंटा चालीस मिनट फॉर द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर सब्स अब्सक्राइब एज पर ठीक है जनरल इंटेलिजेंस जनरल अवेयरनेस जो है पचास नंबर का रहेगा यानी जी के जी एस पचास नंबर का रहेगा ठीक है और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंसन सौ नंबर का रहेगा ठीक है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग